पूरी लंबी हो गई यार, पूरा पूरा ब्रिज भर गया है। चलो ठीक है, चलो जाते हैं अभी। क्या दो बजे से निकले थे यार अपन, 5 बज गए। लाइन लाइन लगा के फायदा ही नहीं था कुछ, अगर पहले निकल जाते तो अच्छी बुला जाते हैं। थोड़ा सा क्राउड छोड़ दिया, गाड़ियाँ जाती थी इसके लिए। हाँ बोलो, हमारे पास है ठीक है। वैसे यहाँ पे तो भाई बसवन मची हुई है, पूरा रास्ते पे घोड़े ही चल रहे और लात में मार रहे। अरे भाई इतना गर्दी है। चले चलो चले चलो, इंसान से अलग घोड़े दिख रहे। भाई यहाँ तो इंसान से अलग घोड़े दिख रहे यार, दोनों साइड घोड़े चल रहे, इंसान के लिए चलने के लिए जगह नहीं है। ये हमारे कप्तान, कप्तान पच्चीस सौ, नीचे से 2000 ले रहे, ऊपर से 2500 ले रहे। हाँ ये भी है, वो लोग को मालूम है हालत खराब है तो खुद ही ले लेंगे ये लोग। ये भी हरियाणा से, तो भाई ये है मजे केदारनाथ के। भाई क्या ही सीन है वो, है ना ब्रिज देख, पावर है पावर। चलो भाई महादेव जी, मंजीत इधर आजा। अभी कितने किलोमीटर चला अपन? 6.5 किलोमीटर बोल दे। 6.5 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे हो गए, 6.5 किलोमीटर कवर कर दी हमने। अच्छा चम्मच गिर गई। ओए यार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो भाई, देखना तो उसमें
भाई साहब बर्फ है भाई। लाइफ में पहली बार देख रहे हैं। गोला खाएगा फोटो निकाल दो अपने। हो भाई जहाँ यू पाया क्या? अरे मत नहीं। क्यों स्लिप होएगा? किलोमीटर बाकी है, 10 किलोमीटर कवर हो चुका है ट्रैक पूरा। 16 किलोमीटर का ट्रैक है और ये यहाँ का व्यू है अभी। और कुछ तो दिखा दो मैं आपको। यहाँ पे दो माउंटेन देखो यार, बर्फ की पूरी। अरे यहाँ से जो शेड दिख रहा है उधर से दिखेगा केदारनाथ का मंदिर और उसके पीछे ये माउंटेन रहने वाला है। चलो यार निकलते फटाफट। अभी लास्ट का बस आधा घंटा बचा है और केदारनाथ का जो मतलब ये होता है एंट्री होता है वो 3 बजे बंद हो जाता है और 6 बजे चालू हो जाता है। तो अभी बच चुका है 12, एक घंटा लग जाएगा हम लोग को, आधा घंटा। फिर बाद में हमने सोचा कि 3 बजे के बाद ही जो आरती है वही देख लेंगे। चलो फिर देखते हैं यार, अभी देखते हैं मंजीत भाई बात कर रहे हैं घोड़े वाले से, घोड़े पे बैठने देगा कि नहीं। और यहाँ पे यार ऐसा भी है अभी। भाई क्या है लेंगे इतने तो चढ़ो। अरे माधुपुर आ रहा भाई, कैसी बात कर दी। चलो भाई तो साइन हम लोग आ गए केदारनाथ के टॉप पे और जो ऊपर है वो है भैरव, भैरव का मंदिर है और सामने है केदारनाथ। आई थिंक ऊपर में विजिबल है, यहाँ लाइन जो खड़ी है केदारनाथ के लिए खड़ी है। अभी दिख जाएगा शायद यहाँ पे और उसके पीछे है पूरी बर्फ की पहाड़ यार, पर दिख रही नहीं है अभी फॉग की वजह से। अभी तो हम यहाँ थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे मंदिर में। खोल इसको पूरा। नहीं खोला पूरा। अच्छा लेके आ गए थे क्या? ठंडी भी बहुत है। भाई बारिश चल रही यार हल्की हल्की। चल भाई at last.
हेलो हाँ वाह यार यहाँ पे लाइन लग गई है पीछे और हम जब लाइन पे लग जाएंगे तो हमें दर्शन तो नहीं मिलेगी यार, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इतना दूर आया है तो कुछ ना करना पड़ेगा यार। हाँ भाई, ओ भाई, हाँ भाई, क्या करना है? बस मौसम बहुत ठंडा है भाई। मौसम तो ठंडा है पर अंदर जाना है कि नहीं जाएंगे ना। ये वहाँ से आया था और आके यहाँ पे रुक गया, इसके आगे गया नहीं क्योंकि जो भी अगर पानी आए, जो भी आए, कुछ भी आए तो ये बचाएगा मंदिर को, तो इसके हिसाब से ये आके रुक गया था। चलो भाई आज का दर्शन हो गया केदारनाथ का। हेलो गाइस, फिलहाल अभी मैं हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मैं दो दिन रुकने वाला हूँ। हम लोग मंजीत की बुआ के घर पे आए, उसके बाद से हम लोग हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। केदारनाथ के ट्रैक पे आरती के बाद हम लोग वीडियो नहीं निकाल पाए क्योंकि बैटरी भी ऑफ थी और जो सेकंड बैटरी थी वो भी बंद ही था। अगर ट्रिप की बात करें तो चढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 घंटा लग जाता है अगर अच्छे से चलोगे तो, और नीचे उतरने के लिए हम लोग के लिए तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चलते हो। और केदारनाथ जाने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, वेबसाइट का नाम है registrationtourismcare.uk.government.in। तो आपको यहाँ पे पहला ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको उधर अलाउड करेंगे। तो ठीक है गाइस, उत्तराखंड की सीरीज ख़त्म होती है, ट्रिप ख़त्म होती है। ओके गाइस, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।